6 लाख फर्जी आधार कार्ड सरकार ने किए रद्द। कहीं आपका आधार भी तो फर्जी नहीं? आपकी एक गलती से आप पर हो सकती है कार्रवाई, आप जा सकते हैं जेल। हर किसी को ना दें अपना यूनिक आधार नंबर। जी, गांव हो देहात हो, हर जगह जालसाजी की खबरें सामने आती हैं। किसी के आधार नंबर से पैसा निकाल लिया जाता है तो किसी के नाम पर लिया जा रहा है सिम कार्ड। आपके लिए आधार कार्ड यूनिक कार्ड होता है, जानते हैं ना आप? सोचते होंगे कि इसे कोई कैसे कॉपी कर सकता है। आप अपने आधार कार्ड को फाइल में या फिर पर्स में रखते होंगे, लेकिन जालसाजों के लिए इसको कॉपी करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपको बताते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको कैसे जेल भिजवा सकती है। लेकिन उससे पहले सुनिएगा, केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने फर्जी आधार को लेकर कुछ दिन पहले सदन में क्या कुछ कहा। फर्जी आधार कार्ड के मामले सामने आने के बाद सरकार ने इसकी जांच करवाई और 5,98,999 से ज्यादा डुप्लीकेट आधार कार्ड रद्द कर दिए गए। करीब एक दर्जन फर्जी वेबसाइट को नोटिस भी दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं हमारा आधार कार्ड भी फर्जी तो नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं, आप अपने आधार कार्ड को घर बैठे चेक कर सकते हैं। इसे जानने के लिए आप UIDAI की वेबसाइट पर जाएं, वहां माई आधार ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वेरीफाई इन आधार पर क्लिक करें, 12 अंकों वाला आधार नंबर डालें, उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई पर जाएं। यहां आकर आपको डिटेल दिखाई देती है तो समझिए आपका कार्ड सही है, वरना फर्जी है। अगर कार्ड फर्जी है तो समझे आपके साथ बड़ा धोखा भी हो सकता है। और हाँ, जिनका आधार कार्ड असली है उन्हें क्या ध्यान देने की जरूरत है ये भी जान लीजिए, क्योंकि आप चाहे होटल बुक करें, बच्चे का एडमिशन करवाएं, नौकरी कराने जाएं या फिर कोई भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, आधार कार्ड तो देना ही होगा और जरूरी भी है। आप खुशी खुशी उसे दे भी देते हैं, लेकिन आपके आधार कार्ड का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, ये पता करना काफी जरूरी है। वरना कई बार ऐसा भी हुआ कि आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किसी और ने किया और जेल कोई और चला गया। UIDAI की वेबसाइट पर जाकर माई आधार पर ऑप्शन कर क्लिक करें, जहां ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन आएगा, उसमें आधार नंबर भरें, फिर OTP वेरीफाई करें। इसके बाद ये ऑप्शन दिखाई देगा कि आप कब से कब तक आधार हिस्ट्री देखना चाहते हैं। उसके बाद आपको आधार हिस्ट्री दिखाई दे जाएगी कि इस डेट से इस डेट तक आपका आधार किस किस काम के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कुछ दिन पहले हरियाणा के रोहतक से खबर आई थी। खबर ये थी कि नौकरी दिलवाने के नाम पर किसी ने एक व्यक्ति से आधार कार्ड लिया और उसके बाद उस आधार नंबर से बैंक अकाउंट खोला और उसमें फर्जीवाड़ा किया, और आखिर में जब पुलिस उसके घर पहुंची तो पता चला कि उसके साथ तो खेल हो गया। इसलिए इससे बचना चाहते हो तो जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जागरूक करो, ताकि लोग इसे देखकर जितने ज्यादा जागरूक होंगे धोखाधड़ी उतना कम होगी। और अपना आधार नंबर किसी को देने से पहले कई बार सोच लें। हालांकि एक सवाल आपके दिमाग में ये भी होगा कि जब आधार कार्ड के लिए रिटन फिंगरप्रिंट, थंबप्रिंट और फोटो सब कुछ लगता है तो फिर फर्जी कैसे बन जाएगा, तो उसका जो खेल हो रहा है वो भी समझ लीजिए। शुरुआत में सरकार ने आधार कार्ड बनाने के लिए जनसेवा केंद्र खोले, साइबर कैफे को अनुमति दे दी थी। यहीं से फर्जी आधार कार्ड बनाने का खेल शुरू हुआ। इन लोगों ने आधार कार्ड के लिए 100 से 150 रुपए लिए, जबकि आधार सुविधा फ्री थी। रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के आधार कार्ड तक इस देश में बने हैं। जब तक UIDAI से आधार कार्ड बना सब ठीक था, जालसाजों ने इसकी जगह फर्जी वेबसाइट बना डाली। जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे उनसे 5,000-5,000 लिए और फर्जी वेबसाइट पर जाकर कार्ड बना दिए। सरकार भले ही 6 लाख कार्ड को फर्जी बता रही है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कई करोड़ आधार कार्ड फर्जी हो सकते हैं, जिन्हें ट्रेस किए जाने की जरूरत है।
फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने जन सेवा केंद्रों पर आधार कार्ड अपडेट करने का काम बंद करा दिया है। अब आपको आधार सेंटर ही जाना होगा, इसलिए किसी जालसाज के चक्कर में आकर आप खुद का नुकसान न कर बैठिएगा। हम तो आपको यही सलाह देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।